ग्रहण करती है, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ है। इसलिए कहते संतों का जो पहला लक्षण है सहन, जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो नाश है। इसलिए पहला लक्षण सहन, उसके बाद में कृपालु, अकृतद्रोह, पूरा सभी जीवों को सोचते हम एक पिता की संतान है, हमारे एक पिता, हम उनके वसुधैव कुटुंबकम, सब एक परिवार को मानते हैं संतों का लक्षण। लेकिन उन्होंने बहुत संतों के लक्षण बताए। देखो एक विशेष चीज, ये चीज को समझो, कहते मेरे जो भक्त है ना उनकी एक विशेष गुण है, बोले मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बंती जत्रिया। भक्ति एक अनिष्ट भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। भक्ति तुम्हारी एक अनिष्ट हो, जैसे हनुमत लाल जी, बताओ इनका इष्ट कौन थे? राम थे। गोस्वामी तुलसीदास जी का इष्ट कौन थे? राम। गोपियों का इष्ट कौन था? गोपियों का इष्ट कौन थे? मीराबाई की इष्ट कृष्ण, सूरदास का इष्ट कृष्ण। इसलिए आप देखो जो जो साधक साधन किया है इनका एक ही इष्ट होते, इष्ट कभी बहु नहीं होते, इष्ट एक होनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं एक साधे और सब साधे सब जाए। जैसे कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कोई सीए कर रहा है, देखना एक सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना पड़ता है, तभी जाकर वो सक्सेसफुल होता है। हम जिस संप्रदाय में आए हैं, अगर जिस का मंत्र तुम्हें प्राप्त हुआ गुरु जी से, उसी मंत्र की ही उपासना करनी चाहिए। सबको सम्मान दो, किसी को कभी असन्मान नहीं करनी चाहिए। उदाहरण दिया, जैसे कि बेटी जब घर में शादी होकर के आती है, पति होते हैं, उसका जेठ देवर, उसकी सास ननद, देखना सबको सम्मान देती है, लेकिन अपना हृदय में किसको बैठा दिया? बोलो अपना हृदय में किसको स्थान देती है? बोलो, कोई बोल नहीं। हाँ, अगर घर में कोई लड़ाई हुआ ना, किसको लेकर अलग हो जाएगी? अपना पति को लेकर अलग हो जाती है, लेकिन सबको सम्मान देती, किसको असन्मान नहीं करती। उसी तरह सबको सम्मान दो, कभी किसी की असन्मान मत करो, लेकिन जो इष्ट है, जिस संप्रदाय में आए हो, जिससे तुम्हें मंत्र प्राप्त हुआ, आपका इष्ट केवल आपकी एक होनी चाहिए। इसलिए बोले मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बंती जत्रिणाम, कहते मेरे अनन्य रूप में जो मेरी भक्ति करती है, तभी उसी भक्ति से भगवत प्राप्ति होती है, नहीं तो भगवत प्राप्ति होना बड़े कठिन है, हैं? इसलिए भगवान माँ को बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई, बोले माँ भले ही किसी कुल में जन्म क्यों नहीं हो, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। जैसे हनुमत लाल जी बंदर कुल में जन्म हुए, लेकिन राम की भक्ति की सारा दुनिया में पूजा हो रही है। सबरी ने सबरी जाति में जन्म ली, लेकिन ठाकुर जी का झूठे बैर ठाकुर जी खाते हैं। प्रहलाद ने राक्षस कुल में जन्म हुए, लेकिन खंबे को अंदर से ठाकुर जी को उन्होंने प्रकट कर दिया। बोले माँ भले ही किसी कुल में जन्म क्यों नहीं हो, जात पात कुछ ना कोई, हरि का भजा सो हरि का भजा सो हरि का होई। इसलिए माँ जीवन में भगवत भक्ति ही जीवन का मूल है। इसलिए माँ भगवान को प्रेम करो, ठाकुर जी की भक्ति करो, इसी से ही तुम्हारे जीवन कल्याण होगी। माँ को बड़ी अच्छी अच्छी उपदेश दिए, उपदेश दे करके ठाकुर जी चले गए। बोले कहाँ चले गए? भगवान चले गए गंगा सागर, और वहीं पर साल में गंगा सागर का द्वीप, वहां पर ठाकुर जी का मंदिर है, फिर ना पानी अपने आप नीचे उतर कर आ जाए, और साल में एक बार श्री कपिल भगवान का दर्शन मिलता है। बोले श्री कपिल भगवान की तो बल्ले होते, जय जय श्री राधे। एक भजन कोई नाचने वाले भजन गालो, सब 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 स्वर है, सब सब स्वर है, सब सब नहीं सब ओ मोटे मोटे ने नंगे को ओनी फेरी फेरे सावरी सदानी सूरत के तू ओ प्यारी प्यारी मूरत के ओ प्यारी प्यारी मूरत के ओ कजिरा रे मोटे मोटे तेरे
किसी को अच्छा नहीं लग रहा है? किसमस को अच्छा लग रहा है? अच्छा किसमस को लग रहा है? इसे किधर खड़े हो जाओ, टांग सीधा कर दो, अब कृष्ण जन्म लेने वाले एक बार सबके साथ खड़े हो जाओ, एक बार नाच लो, एक बार आलस से चल जाएगी। भारत जैसे ठाकुर जी जब जब जगत में
अधर्म की बात मत कर पाता है। जब जब जगत में धर्म की हानि होने लग जाए, गो ब्राह्मण पृथ्वी गो इनके ऊपर में अत्याचार होती है, तब तक भगवान जगत में अवतीर्ण होकर के धर्म को रक्षा करते हैं और दुष्टों को विनाश करते हैं, धर्म को स्थापना करते हैं। जैसे भगवान मत्स्य अवतार लिया, बोले क्यों, भगवान ने चार वेद उधार किया। कुर्मा अवतार में ठाकुर जी क्या किए, पृथ्वी को इष्ट पर धारण किया। बरहा अवतार में पृथ्वी को उत्तरण की। नरसिंह अवतार में हिरण्याक्ष को वध किए। वामन अवतार में बलि महाराज के ऊपर कृपा की। रामावतार में रावण को ध्वंस की। उसी तरह भगवान इसी कलयुग में ठाकुर जी ये भगवत गीता रूप में भी ठाकुर जी कृष्ण स्वयं ये गीता रूप में प्रकट हुए। इसलिए कहते गीता सुगीता कर्तव्य किमा नहीं शास्त्र विस्तरई जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मम निर्सित। कहते ये गीता किसकी मुंह से निकली, ठाकुर जी के मुंह से। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्य की मन ही शास्त्र विस्तर ही। बोले भैया दूसरे पुराण की क्या जरूरत है, जो स्वयं भगवान की पद्मनाभ की मुख से जो ग्रंथ निकली हुई ये जब भगवत गीता है, फिर दूसरे शास्त्र का फिर क्या जरूरत है, किसे क्या जरूरत है। इसलिए गीता हमारी संप्रदाय की अनमोल ग्रंथ श्री भगवत गीता। ये गीता की इतने महत्व है, गीता की अभी संपूर्ण पृथ्वी अभी भगवत गीता को अभी पठन पाठन करते हैं। और ये जो महापुरुष बैठे हुए श्रील भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज जो बैठे हुए, इनकी कृपा से ही संपूर्ण पृथ्वी में अभी गीता वितरण हो रही है, पृथ्वी में गीता। इसलिए जो हमारा प्राइम मिनिस्टर जो मोदी कहीं भी जाता है ना, किसी प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई प्रेजेंटेशन देता है, क्या देता है, ये इनकी भगवत गीता को निंदा करते थे। बोले गीता को ग्रंथ पढ़ो, ये गीता ग्रंथ की इतने महिमा। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, देखो। एक समय जब ये गीता जयंती ना, एक समय अमेरिका में हमारी इस्कॉन के भक्त लोग गीता जयंती में गीता वितरण कर रहे थे। एक व्यक्ति एरोप्लेन से उतर और वो एक भक्त था, बोले भैया गीता लो। बोले इसको गीता गीता क्या है, बेकार सब। लेकिन और थोड़ी दूर गए, लेकिन 8-10 भक्त खड़े हुए थे गीता दे रहे थे। बोले गीता, बोले गीता गीता। और थोड़ी दूर गए, गीता है गीता क्या है। लेकिन देखा भैया 5 और 7 है। उसने $3-4 दे करके बोले क्या गीता देखता हूँ। उसने ले गया, ले करके बोला बेकार चीज है, ये तो कोई काम की नहीं। उसने ड्रम रख लिया। एक दिन उसने इतने डिप्रेशन में आया सोचा मैं सुइसाइड कर दूं। लेकिन जब वो सुइसाइड करने जा रहा था, अभी जिस ड्रम में उसका बंदूक था ना, जिसका मोबाइल बज रहा है, इसलिए जिसमें जिस ड्रम में ये गीता था उसी ड्रम में था इसकी बंदूक। उसने जब ड्रम खोला और बंदूक को पकड़ने के लिए गया, वो बंदूक नहीं आकर के हाथ में क्या आ गया, गीता। बोले मरने पे जा रहा है। उसने सोचा तो मरूंगा, गीता को देखता क्या लाया था क्या है। जो उन्होंने देखो ठाकुर का क्या आशीर्वाद है, जो उसने पन्ने को खोला उसमें कृष्ण अर्जुन को कह रहे, बोले हे अर्जुन हम शरीर नहीं हम आत्मा है, शरीर नहीं हम आत्मा, ये जो शरीर है ये एक वस्त्र है। जैसे एक वस्त्र पुराने होने पर हम उसको छोड़ करके एक नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह जो आत्मा ये न जायते न म्रियते अजो नित्य शाश्वत ये आत्मा है, केवल ये एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता है। इसलिए हम आत्मा हम शरीर नहीं। अगर तुम शांति सुख पाना चाहते हो क्या करो, हम शरीर नहीं ये आत्मा को भोजन दिला। एक उदाहरण देकर के समझाए, देखो क्या उदाहरण दिया। जैसे कि पिंजरा हो, पिंजरा को अंदर में एक तोता रहता है। अगर हमने वो तोते को खाने मत दो, 3 बार पिंजरा को पेंटिंग करते रहो, बताओ वो तोता जिंदा रहेगा कि नहीं, बोलो जिंदा रहेगी नहीं। तो उसी तरह हम ये शरीर नहीं है आत्मा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दिन भर ये पिंजरा को ना पेंटिंग कर रहे हैं। मतलब क्या है, ये शरीर को ब्यूटी पार्लर में जाओ, इसको जिम में ले जाओ, इसको चबन प्रास खिलाओ, उसको बढ़िया बढ़िया दूध पिलाओ, इसको श्रृंगार कराओ, इसको बढ़िया बढ़िया साबुन से स्नान कराओ, क्रीम लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, दिन भर हम इसी
पिंजरा में लगे हुए, लेकिन हम पिंजरा नहीं, हम कौन है? तोता है, अंदर में जो तोता बैठे हो, अगर वो तोते को खाना नहीं खिलाओगे ना, बस खत्म हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। बोले वो तोते का भोजन क्या है? बोले तोते का क्या? बोले एक भोजन है भगवान की भक्ति। अगर भक्ति नहीं करोगे ना ये कभी, इसलिए बोले दो तरह का आनंद है, एक स्पिरिचुअल आनंद और एक श्री मेटेरियल आनंद है। इसलिए जगत का जितने आनंद सबके सब नीचे, बाबा जी बार बार खड़े नहीं हुआ, चुपचाप बैठो। इसलिए यदि जो स्पिरिचुअल आनंद है उसमें बढ़ती है, लेकिन जो मेटेरियल जो आनंद बॉडी का जो आनंद है ये कभी बढ़ती नहीं, हर समय ये घटती है, ये हर समय ये आनंद घटती है। पहले मैंने बहुत उदाहरण दिया है, जो उन्होंने उसको तो आत्मा नाम का चीज उसको कुछ पता ही नहीं था, उसने जो भगवत गीता को खोला, जय सोचते कि नया आनंद मिली, वो सुसाइड क्या करेगा, मरेगा क्या? रात भर उसने गीता को पढ़ी, उसकी नई 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 आनंद उसकी मिली, आत्मा की आनंद उसकी अनुभूति हुई, रात भर पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था उसका इस्कॉन का एड्रेस था। उसने भैया ये पुस्तक आई कहां से? फोन लगाए, बोले अमु जगह पर, बोले मैं आपसे मिलने के लिए आ सकता हूँ? बोले आओ। फिर उन्होंने आए, बोले भैया मैं तो बड़े दुखी है संसार में, हम बड़े दुखी, हम तो मरने जा रहा था, लेकिन आपका ये ग्रंथ पढ़ करके मेरी मृत्यु खत्म हो गई, आप बताओ फिर हमको शांति कैसे मिलेगी? फिर उन्होंने बोले देखो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, शांति तो ढूंढते हो, लेकिन शांति जहाँ पर उस वहां नहीं ढूंढ करके ना तुम और कहीं ढूंढ रहे हो। जैसे हमारे कोई सामान यहाँ गिर पड़ा, अगर रोड में ढूंढोगे तो सामान मिलेगा? अरे भैया जहाँ पर गिरा वही पर ढूंढना। इसलिए हमारी गलती कहाँ पर हुई? गलती ठाकुर जी के चरण में हुई, हम ठाकुर का ही संतान है, जब तक उनकी भक्ति नहीं करेंगे अब ये दुनिया में टाटी पेशाब का थली में संसार में ये ढूंढ रहे आनंद कहाँ तुम मिलेगा? अगर पाना चाहते तो ब्रह्म की शरण में जाओ। फिर उसने सब कुछ छोड़ करके, अभी जैसे हमें संन्यास लिया, अभी वो संत है, अभी वो संन्यास लेकर के मरना छोड़ दिए, संन्यास लेकर के पृथ्वी में ये भगवत गीता को प्रचार करता है। एक श्लोक इसकी मृत्यु से एक श्लोक बचा दिया, समझो ये गीता कितने हमारी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसलिए यहाँ पर भगवत गीता है, इसलिए आप लोग जो लेना चाहते हो आप लोग ले सकते हो, और गीता को लेकर के जो डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो, दूसरों को प्रेजेंटेशन करना चाहते हो, आप भी दे सकते हो। ये अनमोल ग्रंथ है ये भगवत गीता, ये कृष्ण स्वयं। इसलिए आज इनकी आविर्भाव के लिए हमारे भक्त लोगों ने थोड़ी थोड़ी इसी गीता के ऊपर में, हमारे प्रभु जी बोल गीता के ऊपर में थोड़ी सी बताएंगे, हम लोग थोड़ी सी सुनते हैं। ओम ज्ञान श्रीमदस्य ज्ञानंजन शलाख्य च कैलर्दितं दीना तस्मै श्री गुरु उसको नीचे पेज को फॉलो आपको कुछ सिखाएंगे। ओम ज्ञान किरणदंतस्य ज्ञानाजन शलाख्य चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वतोमपि गुरुदेव मित्रिलोकेश्वरप्रभाष्टदर्शनप्रतिवेदान्तनाय प्रसन्नाय दीक्षागुरु पूज्यपाद भक्तिवेदान्त श्रीधर महाराज और पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु और समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम। और आज बहुत शुभ दिन है कि आज गीता जयंती है, और गीता जयंती के उपलक्ष्य में महाराज जी यहाँ लखनऊ में पधारे हैं, और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम कुछ श्रवण कर सके, अपने जीवन का उद्धार कर सके। कहा गया है गीता में, मन मना मत भक्तो मत याजी माम नमस्कारो मम अवश्य सत्यम ते परित्यज्य परियोसि। सबसे पहले कहा गया कि जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्णेरा तथा शक्ति भेदा भी प्रकाश। पहले तो हमें समझना चाहिए कि हम कौन है। जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मतलब हम, हमारा जो उत्पत्ति है, जो हमारे सृष्टि की हमारी रचना हुई है, जीव का स्वरूप है उसका कि वो भगवान की सेवा करे। अब वो क्या रहा है? जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे पाशिते माया तारे जापटिया धरे। अब कृष्ण को भूल कर जीव जो है वो माया को फंस गया है। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, भोग वो भोग करना चाहते हैं, संसार को भोग करना चाहता है, भोग के कारण वो संसार में फंस जाते हैं।
भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज एक बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं, मेरे दिमाग में समय वो बात याद आ रही है, तो वही कथा को मैं बता दूं। काफी एक धोबी था, एक धोबी का एक गधा था, तो गधे को वो धोबी जो धोबी है वो गधे को बहुत मारता था, बहुत पिटाई करता था, लेकिन वो धोबी जो गधा जो था वो धोबी को छोड़ के कभी नहीं जाता। तो उस गधे का जो था एक दोस्त था, वो जंगल में गधा घूमता रहता था, और जंगल में गधा वो घूम घूम कर कभी इससे मिलता था, पास नहीं मुंह मतलब पास में, कभी वो गधा जो है वो जंगल के गधे के पास जाता था और उसे कहता था, क्यों तुम परेशान हो रहे हो, क्यों तुम उस धोबी की मार खाते हो बार बार, तुम आ जाओ मेरे पास, देखो यहाँ हरी हरी घास है, हम लोग जंगल में घूमें। नहीं 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 भाई, नहीं। कई बार गधे को उस धोबी ने कई बार मार, फिर एक दिन जो है वो गधा रोता रोता गधे के पास आया, उसे पूछा क्या बात है, क्यों तुम उस धोबी के पास रहते हो। कहते मुझे जो है एक बार क्या हुआ कि उसकी एक लड़की थी, उसकी लड़की ने प्रेस करते करते जो है वो तो कपड़ा जला दिया, तो जब कपड़ा जलाया तो उसके पिताजी ने कहा कि देखो अगर तुमने दोबारा कपड़ा जलाया तो मैं तुम्हारे इस गधे से शायद शादी कर दूंगा, तो मैं इस आशा में हूँ कि शायद वो कभी जो धोबी की लड़की है वो दोबारा कपड़ा जलाए और शायद कभी मेरी उसी लड़की से शादी हो। तो हम जैसे बद्ध जीवों का सिर्फ यही कारण है, हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें हमारे अंदर एक झूठी आशा है कि शायद हमारा कल आज से अच्छा, वो कभी नहीं। इस संसार में भगवान ने स्वयं कहा है कि धन दुखाले मसासत माँ उभरते तुम कौन थे पुनर्जन्म, ये संसार दुखों का भंडार है। हम सोचते हैं कि पैसा कमा कर हम सुखी हो सकते हैं, हम अपने परिवार को पाल कर सुखी हो सकते हैं। भगवत में श्लोक है, धर्म सांसिता पुंसा विश्वक सेम तथास्त्र बहुत पाते यदि रति श्रम ये वही केवल। अगर हम धर्म का पालन करते हैं, अपने पुत्र परिवार घर दुकान बिजनेस सबको हम पालन करते हैं, सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा करते हैं, सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन धर्म सांसिता पुंसा विश्वक सेम तथास्त्र बहुत पाते, अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया तो श्रम है वही केवल, सिर्फ हम श्रम कर रहे हैं, जैसे गधा वो श्रम करता है वैसे ही श्रम। इसी प्रकार एक व्यक्ति था जिसके पास एक जोर से बोलो पीछे तरफ देखो, एक व्यक्ति था जिसके पास एक मुर्गी थी, तो वो मुर्गी जो थी वो सोने के अंडे देती थी, तो उसने कहा कि ये तो बहुत खाती है, इसके सोने के अंडे तो पीछे से निकलते हैं, इसका गर्दन काट देते हैं, तो उसकी उसने गर्दन काट दी, तो उसकी उसने गर्दन काट दी, अब वो सोने के अंडे देना बंद कर दिया उसने। उसी प्रकार जो गीता में हमारे दो श्लोक हैं जो हमें सबको याद है, उसी प्रकार गीता में दो श्लोक हैं जो हम सबको पता है, लेकिन हम सिर्फ एक जैसे उस मुर्गे की जो गोल्डन एग जो सोने का अंडा है वो पाना चाहते हैं, और उसका जो सर है वो हमें नहीं पता। गीता में कहा है 2.47 में कर्मणाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमें इतना तो पता है कि हमें कर्म करना है, कर्म करके हमें अपने परिवार का पालन करना है, हमें सुख साधन से रहना है, हमें फल की इच्छा नहीं करनी, ये तो सबको पता है। लेकिन 18.66 का जो श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं तं सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये हम भूल गए। कहने का मतलब यह है कि भगवान ने गीता के सबसे आखिरी अध्याय में 18.66 में कहा है कि हमें सब धर्मों का परित्याग करके भगवान की शरण में जाना है, और जब हम भगवान की शरण में जाएंगे तभी हमारा उद्धार है, नहीं तो हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशनम, बार बार इस संसार में स्त्री के घर में आकर बार बार मरते रहेंगे, बार बार जीते रहेंगे, और हम इस परिवार इस संसार से हम बच नहीं सकते। थोड़ा सा एक और स्वर्ग और नर्क का मैंने भी सुना था, वांछा कल्तरु वैश्य कृपा सिंधु भाई वचा पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। लाइट चली जाती है कल, ये कब आएगी? जनरेटर है तो चला। जनरेटर है,
हरे कृष्णा, सब सावधान होके बैठ जाओ भाई। मन से सावधान, वैसे तो विश्राम पोजीशन में ही है हम लोग। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायस्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णे तुच्छये स्फुरितरसनो नाम गणना कृतग्रंथी श्रेणी सुभग कटिसूत्रोज्ज्वलकरः विशालाक्षौ दीर्घार गलयुगल खेलांचित भुजौ सचैतन्य किं मे पुनरपि दृश्योर्यास्ति पदम्। भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीन बंधु पतित पावन प्रियतम परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय निखिल हेय प्रतिनिक अखिल गुण गण निलय भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा से मानव जीवन का उत्कृष्टोत्कृष्ट फल सत्संग श्री राधा गोविंद भगवान की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल तुलसी भंडार नबी हरी लाल की। हरे कृष्ण इसको बंद कर दो, थोड़ी देर में चलेगा। इस आवाज को यहाँ उस माइक से भी ज्यादा घर वही आवाज उसकी है। हरे कृष्ण थोड़ी देर में आगे चला मैंने लाइक उसको बंद कर दो, आवाज पहले भी हरे कृष्णा। भगवान की दिव्य महती कृपा से मानव जीवन का उत्कृष्टोत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोगों को श्री महाराज जी के चरणारविंदों में बैठ करके प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले मैं अपने पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव पूज्यपाद श्री नारायण स्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव विद्युत जन जो आज अपना सौभाग्य की जिनकी वर्णना अगाध है, क्योंकि उनके हृदय में केली करते हुए श्री भगवान आज अपना स्वयं का चरित्र सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। देखो पहले एक छोटा सा हिंट दे देता हूं गीता जी पे, क्योंकि आज गीता जयंती है। भगवान कहते हैं गीता में हृदयम पार्थम, पार्थ गीता मेरा हृदय है। अच्छा भगवान का हृदय है गीता, तो भगवान के हृदय में कौन विराजमान है? भगवती राधा, श्री राधा रानी। अब गीता जी भगवान का हृदय है तो पक्की बात है अंदर राधा जी ही है। हम लोगों में कई बार प्रश्न आता है कि क्या गीता जी में राधा रानी का वर्णन है, क्या गीता जी में श्री राधा रानी का नाम श्री भगवान ने लिया है। कई बार इसमें बहस भी हुई है, अरे श्री कृष्ण बिना श्री राधा रानी के अधूरे हैं, तो क्या गीता जी में श्री राधा रानी नहीं होंगी। आप लोग श्रवण कीजिए वो वाला श्लोक श्रीमद भगवत गीता के दशम अध्याय का 34वां श्लोक है। उसमें लिखा है कीर्ति श्रीवच्च नारीना स्मृति मेधा धृति क्षमः। जब कहा ना भगवान ने यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि देव ऋषियानाम नारदोहम, कि यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूं ऋषियों में मैं नारद हूं, तब भगवान ने लिखा कीर्ति श्रीवच्च नारी। भगवान कह रहे कीर्ति श्रीवच्च नारीनाम स्मृति मेधा धृति क्षमः। कीर्ति स्त्री, इसमें देखो शब्द है कीर्ति स्त्री। कीर्ति स्त्री कौन है?
स्त्रीयेषु कीर्तिनाम कीर्तिनाम मात्रिकाः स्त्रीयेषु इति कीर्ति स्त्री कीर्तिताः यस्य स्त्री यस्य शिशुः इति कीर्ति स्त्री। जो श्री राधा रानी की जो श्री कीर्तिदा मैया की स्त्री है वे है राधा रानी। तो इससे प्रमाणित हो गया कि श्री राधा रानी का नाम श्री भगवान ने गीता जी में लिया है। और आ जाओ श्रीमद् भगवद् गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसमें भी भगवान ने गीता जी का स्मरण श्री राधा रानी का स्मरण किया है। यहाँ पे कहा है सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम। यहाँ मा शब्द का अर्थ राधा रानी है। एकम एको हम बहुश्यामा यह माँ शब्द का अर्थ श्री राधा रानी है। तो भगवान कहते हैं कि भजन की पात्रता तो राधा रानी से ले लो और उसके बाद जो रस का वर्षन है वो मैं करूंगा। इसलिए पहले माँ शब्द का प्रयोग किया। माम एकम माइति राधा माइति कीर्ति स्त्री माइति राधिका माम एकम इंदिरा लोकम मातम माँ यहाँ पर शब्द है। तो माँ से राधा रानी है फिर उसके बाद एकम एकम से मैं श्री कृष्ण। तो पहले पात्रता राधा रानी देंगी भजन की और उसमें भगवत रस श्री कृष्ण भरेंगे। इधर से प्रमाणित होता है कि हाँ राधा रानी श्रीमद् गीता जी में है। हो गया ना दोनों। अब विगत दिनों से श्रीमद् भागवत जी चली आ रही है और आज का जो दिवस है तो कृष्ण जन्म का दिवस है और कृष्ण जन्म से पहले श्रीमद् ध्रुव चरित्र है। तो थोड़ा सा ध्रुव चरित्र भी सुना देता हूं। देखो राजा थे जो गुरुदेव जिस प्रकरण में है उससे आगे राजा उत्तानपाद का विवरण है। राजा उत्तानपाद के दो रानियां थी। एक का नाम सुनीति था एक का नाम सुरुचि था। सुनीति किसे कहते हैं? नित्याह आचरणाह शुद्धाह इति सुनीति जिसकी नीति अच्छी है। और सुरुचि किसे कहते हैं? रुचयाम राधा सा रुचयाम राजा साह रुचि ही इति सुरुचि ही जिसमें राजा की रुचि है क्योंकि वह बहुत सुंदर है इसलिए राजा उसमें मुग्ध हो गया है। दोनों के एक पुत्र हैं। सुनीति का जो पुत्र है उनका नाम है श्री ध्रुव और सुरुचि का जो पुत्र है उसका नाम है उत्तम। एक दिन उत्तम जो है वो राजा की गोद में उपस्थित था। खेलते खेलते ध्रुव जी भी राजा की गोद में बैठना चाहते थे तो जैसे ही उन्होंने सिंहासन की सीढ़ी पर पैर रखा और राजा उत्तानपाद की जंघाओं पर अपने नन्हे चरण को रखा और बैठने के लिए जैसे ही उद्यत हुए तुरंत पास में सुरुचि खड़ी थी। उसने धक्का देकर के ध्रुव को कहा ए क्या कर रहा है? उसने कहा ये मेरे पिता है और हर एक पुत्र को अपने पिता की गोद में अंक में विराजमान होने का अधिकार है। तो सुरुचि ने कहा तू इसका अधिकारी तब बनेगा जब मेरे उदर से जन्म लेगा जब मेरे गर्भ से तू प्रकट होगा जब मेरे गर्भ से तेरा जन्म होगा तभी केवल तू बैठ सकता है। ध्रुव एकदम से कांप गए और गुस्से में आक्रोश में और अपने मन को अनमना करके वो तुरंत भागे अपनी मैया के घर में। सुनीति वहां पर श्री भगवान का दिव्य नाम जप कर रही थी। सुनीति के पास पहुंच करके ध्रुव जी ने सारी सुनीति ने कहा आज क्या बात है मुख मलिन है आज कोई चहचाहट नहीं है तेरे मुख पर क्या बात हो गई? तो ध्रुव जी ने सारा वृतांत सुनाया। देखो ध्रुव जी ने जब सारा वृतांत सुनाया तो सुनीति ने क्या कहा? सुनीति अगर हमारे पास मैया के यही लक्षण है माँ का लक्षण क्या है यदि कोई भी गलत काम हो जावे उसमें भी शिक्षा प्रद ही अपने बच्चे को देगी। यूं नहीं आजकल की होती तो चल मैं लड़के आऊं मेरे पिता से कैसे कर दिया उसने। अभी मंगल आरती होगी भगवान की एक बार आरती श्रवण कर लेते हैं उसके बाद आगे का चलते हैं। Thank you.
हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा ये पकड़ ली Jai Jasomati Nandana Prajavaranaga